आजादी के बाद कई सरकारें आई और गई। हर बार हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की सरकारें, अपनी पीठ थपथपाते हुए विकास के दावे करती हर मंच पर नजर आती है। लेकिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल की बड़वानी विधानसभा के ग्राम रोशर के हालात कुछ अलग हैं। यहां आज भी मरीजों को झोली में डालकर लोग कई किलोमीटर का सफर तय कर रोशर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने को मजबूर है, क्योंकि सड़क मार्ग न होने के कारण वाहनों की आवाजाही नहीं है। इतना ही नहीं, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पहुंच पाया, जिस कारण लोग अगर सूचना करना चाहे तो भी उन्हें 3 से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई जगह बिजली है तो कई जगह बगैर बिजली के लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब बड़वानी कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उनकी जानकारी में यह बात आई है, जिसमें क्या सुधार किया जा सकता है प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि पाटी क्षेत्र में छोटे छोटे फलियों में लोग निवास करते हैं, जहां रास्तों की समस्या रहती है, हर जगह बिजली पहुंचाना भी संभव नहीं है। लेकिन कलेक्टर के जवाब के बाद भी एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज भी जब जिला मुख्यालय से मात्र 40 से 45 किलोमीटर दूर के ये हाल है, तो जिले के दुर्गम क्षेत्रों के क्या हाल होंगे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। नाम है थान सिंह। कहाँ से आ रहे हो तुम? ये बेड़ा पड़शी, ऊपरशी। किसको लेके आ रहे हैं? ये मेरा भाई है, बीमार है। हाँ, बीमार है। कैसे ले जा रहे हैं तुम? ये झोली बांध, लकड़ी सी झोली बांध को ले जा रहा। हमेशा ले जाते हैं? हमेशा ऐसा ले जाता है, हमेशा ले जाना पड़ता है। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? ये करो सर, रोसर ले जा रहे हैं अस्पताल। कितनी दूर है रोसर यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर होगा। कोई प्रेग्नेंट महिला, डिले महिला रहती है, उसको भी ऐसे ले जाते तुम? उसको भी ऐसा ले जाता है, कोई व्यवस्था नहीं होती? कोई व्यवस्था नहीं। सरकार से मांग करी तुमने? मांग करी, बाकी सरकार कहीं व्यवस्था नहीं करी हमें। कितनी देर में पहुँचोगे यहाँ तक? यहाँ से अभी देखो, ये ऐसा कहीं पानी पिलावता ले जाता, और ये ज़्यादा घबराहट हो जाती तो और इसको रास्ता में बैठाना पड़ता, तो हमको 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता। अभी 2.5 घंटे पैदल पैदल चलने? पैदल। रास्ता कैसा है? रास्ता ऐसा थे, यहाँ से उमराव के घर तक ऐसा कच्चा मच्चा रोड आएगा है, ऊपर गोड़ा फैलिया। क्या नाम है? किशोर। कहाँ रहते हैं? रोसर। किशोर जी, किस तरीके की समस्या सामने आ रही है आप लोगों के यहाँ पे? हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी समस्या है, नेटवर्क की समस्या है। यहाँ से हम 3 किलोमीटर दूर हम यहाँ नेटवर्क में आते हैं, और कहीं फ़ोन लगाना हो, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, उसमें बच्चे भी पढ़ाई के लिए प्रभावित हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अभी यहाँ घाटों पे चढ़ के बच्चे टेकड़ियों पे चढ़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तो हमारे गांव में बहुत सी समस्या है, कई गर्भवती महिला हो जाती है, हमें फ़ोन लगाने के लिए यहाँ नेटवर्क में आना पड़ता है। कई बार नेटवर्क मिलता है और कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है, और जैसे फ़ोन लग भी जाता है तो गाड़ी आती है, गाड़ी भी नेटवर्क में आके रुक के हमको फ़ोन लगाती है, लेकिन गाड़ी कई बार आती है, कई बार यहाँ से चले जाते हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाते। हम और आते हैं और लगाते हैं और बुलवाते हैं, जैसे कहीं भी एक्सीडेंट होता है उसमें बहुत सी समस्या है, फ़ोन लगाने गाड़ी साधन नहीं मिलता हमको। यहाँ पे जंगली इलाका है, यहाँ से बहुत दूर इधर पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमें यहाँ पे बहुत सी ऐसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है नेटवर्क के होने की वजह से। यही है सर हमारी समस्या। अच्छा, कभी गांव से फ़ोन लगाना रहता तो कितनी बड़ी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता आपको? सर हमें तो गांव में जैसे ये सामने दिख रहे सर पहाड़ी दिख रहे हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता, किसी दिन नेटवर्क ऐसे यहाँ समतल में भी आता है, कहीं ऊपर चढ़ना पड़ता है नेटवर्क, और कई बार नेटवर्क अधिकतर बंद ही रहता है हमारे इधर क्षेत्र में। क्या मांग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में एक नेटवर्क हो जाए तो हमारी सुविधाएँ अच्छी रहेगी सर। सर, बड़वानी ज़िले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर झोली में डालकर मरीजों को जो है गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल तक लाना पड़ता है। हाँ, मेरी जानकारी में तमाम मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती है कि ऐसे भी दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर रास्ता की समस्या होने की वजह से लोग अभी भी मरीजों को अस्पताल आने के लिए झोली में डालकर लाते हैं। कुछ समस्या हमारे सामने आ रही हैं, उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनका क्या हाल हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। और मैंने हमारा जो नीचे का अमला है, पंचायत स्तर का अमला, उसको भी निर्देश दिए हुए हैं कि वो पहले ऐसे सभी समस्याग्रस्त गांव का चिन्हांकन कर लें। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या फलियों की है, गाँव फलियों बटा हुआ है और लोग दूर दूर रहते हैं, तो सभी जगह सड़क बनाया जाना संभव नहीं है। हम लोगों को कोशिश ये रहेगा कि जहाँ पर ज़्यादा घर रहते हैं उनके वहाँ तक हम लोगों को तो रास्ते की समस्या हल कर दें, और वो सारी समस्या एक साथ हल किया जाना संभव ही नहीं है, पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहाँ ज़्यादा समस्या पहले वो हल हो जाए। सर, कौन सा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आधे गांव में बिजली है
और आधे गांव में बिजली नहीं है। ये वही सेम समस्या है, फलियों में गांव बटे हुए हैं, इतना संसाधन शासन के पास में नहीं हो सकते हैं कि ये फलिया के लिए किलोमीटर दूर तक बिजली की व्यवस्था, खुलने की व्यवस्था, तार की व्यवस्था कराई जाए। सरकार का भी प्रयास है परंतु उसमें समय लगता है, इन समस्याओं को प्राथमिकता से हटाने का प्रयास रहेगा। सर ग्राम पंचायत ओसर में नेटवर्क के लिए सर उन लोगों को 2.5 किलोमीटर आना पड़ता है, 2.5 किलोमीटर हरला में आके। वो भी समस्या है, यहाँ पर इस जिले में नेटवर्क की भी समस्या है। सब प्राइवेट नेटवर्क कंपनियों को भी बताया हुआ है, वो भी अपना प्रयास कर रही है। इवन अभी शहरों में भी समस्या है, इस बड़वानी जिले में भी समस्या है, आसपास भी मकानों में समस्या है, समस्याएं यहाँ पर काफ़ी हैं, सारी समस्या को हल करने का प्रयास जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।